मंदिर में तमाम भक्त भक्तिभाव के साथ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुर्गा माता के आज 8वें स्वरूप महागौर की पूजा अर्चना हो रही है और ये तस्वीरें देखिए हरिद्वार के लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर हर एक भक्तगण मौके पर पहुंच रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़े हुए। धर्मेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े उमंग के साथ माता को याद किया जा रहा है, माता की पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल सचिन, देखिए आज अष्टमी और नवमी की पूजा की जा रही है और चूंकि हम हरिद्वार में मौजूद हैं, इस समय हरिद्वार के कंकल स्थित माँ तारा देवी के मंदिर पर हम मौजूद हैं। बहुत ही सिद्धपीठ है और हमने पूरे नवरात्रों, जो हरिद्वार धार्मिक नगरी है और शिव शक्ति की आराधना यहाँ पर होती है और शक्ति के माता के यहाँ पर कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं, सभी मंदिरों से हमने नवरात्रों का नजारा दिखाया। माँ मनसा देवी से हमने लाइव किया था, उसके बाद माँ चंडी देवी, काली देवी, शीतला माता, सभी मंदिरों में क्या नवरात्रों की धूम रही हमने दिखाया। आज अष्टमी और नवमी है, उसमें माता की पूजा की जा रही है, जिस समय हम माता तारा देवी के मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ भी सुबह से भक्त पहुंचे हुए हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत ही सिद्धपीठ है। सबसे बड़ी बात है कि कंकल जो हरिद्वार की उपनगरी है, उसके गंगा किनारे के सिद्धपीठ यहाँ पर विराजमान है और बड़ी मान्यता यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और सबकी यही मनोकामना रहती है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ पूजा पाठ करता है तो उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। हमारे साथ कई श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ की मान्यता है, क्या यहाँ की आस्था है, ये बताएं यहाँ की क्या मान्यता है। ये बहुत सिद्ध मंदिर है, तारा माता का मंदिर है। ये जो है हमारे महानंद गिरी पिताजी महाराज को माने जो है बालक रूप में जो है दर्शन दिए, बालिका रूप में 20 मई को यहाँ पे फंक्शन होता है, 20 मई को उन्होंने दर्शन दिए थे। और ये अपने आप में एक सिद्ध पीठ है, गंगा से लगा हुआ है। इसमें जो है तारा शंकर, हमारा जो है बोलते हैं तारा शंकर सीताराम, राधे राधे श्याम श्याम, गुरु दिया है तारा नाम, खाली जीवा कौन काम, जब बोलो जब तारा नाम, अंत मिलेगा बैठने नाम। तो इसी में ही जो है बीच में तारा है और शंकर की उधर रखी हुई है तारा शंकर, जिस तरीके से मैंने अभी बोला है उस तरीके से मूर्तियाँ हैं यहाँ। और यहाँ पे बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चूँकि हरिद्वार धर्म नगरी है और यहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु पहुँचते हैं। माता तारा देवी के मंदिर की मान्यता है, सिद्धपीठ है और जो 10 महाविद्या बताई गई है उसमें माँ काली के बाद दूसरी महाविद्या माँ तारा देवी है। बगल में गंगा यहाँ पर बह रही है और बड़ी मान्यता यहाँ की बताई गई है, यही सिद्धपीठ है। हमारे साथ एक अन्य भक्त यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस मंदिर की क्या महिमा है, क्या मान्यता है। जी, तारा देवी का मंदिर है, 106 साल पहले जो इस मंदिर के संस्थापक थे महाभूषण जी महाराज, उन्हें तारा देवी ने कन्या के रूप में दर्शन दिए थे और यहाँ से तारा देवी की मूर्ति से कन्या के रूप में माता आई, गंगा स्नान किया, महाराज जी उसके पीछे दौड़ते रहे और अटकेलियाँ खेलती रही और बाद में वहीं से आते हुए सीधे वो जाए किसी मूर्ति में विराजमान हो गई। तो यहाँ तारा देवी मंदिर में 106 साल पहले दर्शन दिए थे। 20 मई को हर साल यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, उसमें कन्या पूजन होता है और तारा देवी के रूप में कन्या को सजाया जाता है। और यहाँ पर 10 महाविद्याओं का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और सामने जनवासा है शंकर जी का, जहाँ से शंकर जी की बिराज चढ़ थी दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में जाने के लिए। और तारा देवी 10 महाविद्याओं में दूसरी देवी मानी जाती है। तारा की दो रूप होते हैं, उग्र तारा और वैष्णवी तारा। तो इस मंदिर में जहाँ पर जय कंकल जो गंगा के तट पर मंदिर है, यहाँ तारा माता वैष्णवी रूप में अपने शांत रूप में विराजमान होती है और वो नीलवर्ण की माता भी कही जाती है। गंगा के कारण ये तट जय विशेष महत्व होता है, सिद्धपीठ मानी जाती है। जैसे कलकत्ता में तारा सिद्धपीठ है, वैसे ही हरिद्वार में कंकल में तारा सिद्धपीठ है। बिल्कुल, देखिए आज अष्टमी और नवमी की पूजा की जा रही है, सुबह से कई भक्त हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप आए हैं माता के दरबार में, यहाँ पर क्या मन्नत है, क्या है, क्या करें? हम माता से यही कहना चाहते हैं कि सभी को भक्त के कामनाएं पूरी करें माता रानी, और सभी भक्त को अपना आशीर्वाद देते हुए माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें और पूरे विश्व में सुख शांति बनाए रखे माता रानी, सबको आरोग्य प्रदान करें। आप आइए माता जी, क्या कहेंगे पूजा? हम तारा माता से कहते हैं कि माता रानी सबको सुख शांति और सबकी मनोकामना पूरी करें।
हाँ बिल्कुल, देखिए सब सुख शांति अपने मनोकामना को लेकर यहाँ पर मंदिर में पहुँचते हैं और मान्यता है कि माँ तारा देवी जो भी सच्चे मन से आता है उसकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। अनेक भक्त और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस मंदिर का क्या महत्व है, क्या यहाँ की मान्यता है। इस मंदिर का महत्व कुछ भी मानव करता है, ये तारा माता माता ने इसको पूरा पूर्ण कर देता है, इसीलिए यहाँ का महत्व है। महानंद गिरी महाराज ने ये दर्शन लाभ किया था, उसका बाद अभी ये छोटा पेरी चल रहा हमारा। अभी महाराज जी जो है रत्नागिरी महाराज है हमारा माता जी, उन्हीं कोलकाता में है अभी, हाँ, और बहुत ही अच्छा है। मैंने उसको दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से भी आती आते हैं माता जी का, और तारा माता का दर्शन में सब कुछ सिद्धि लाभ कर लेता, कुछ भी मानव करेंगे तो पूर्ण होता है, इसलिए इसको बिल्कुल। देखिए इस बार जो माता के नवरात्र आए हैं वो COVID-19 के बीच में आए हैं, बढ़ चढ़ के हरिद्वार में जो धूम रही है, नवरात्र की बड़ी धूम देखने को मिली है, सभी शीतपीठों में माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, और साथ में ये भी मनोकामना की है जो कोरोना नाम की बीमारी है, वैश्विक जो इसमें बीमारी फैली हुई है इससे मुक्ति मिले, कोरोना नाम की जो राक्षस है इसका अंत हो, और माता से सबने यही मनोकामना पूरी उम्मीद है कि माता सबकी मनोकामना पूरी करेगी, कोरोना से मुक्ति मिलेगी। कल चूंकि दशहरा का पर्व है और आज अष्टमी नवमी की पूजा की जा रही है, और उसके साथ ये माता तारा देवी के मंदिर में आज हम यहाँ विराजमान रहे, और यहाँ पर जो भक्त हैं बढ़ चढ़ के यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और सभी जो मान्यता है माता देवी जो तारा देवी हैं जो भी अपनी मुराद लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं तो सबकी मनोकामनाएं माँ तारा देवी पूरी करती हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक लंबे अंतराल के बाद और कहीं ना कहीं से कोरोना काल में तमाम भक्तगण वही भक्तिभाव से उसी उमंग के साथ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में अभी त्यौहार जो है वो खत्म होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तमाम भक्तगण आज अष्टमी है और आज महानवमी भी है, ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या कुछ आने वाले समय में तमाम तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि दशहरा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तमाम भक्तगण वहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ महागौर की पूजा अर्चना हो रही है। अगर हम बात करें तो माँ महागौर को यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनकी पूजा किस तरीके से यहाँ पर की जाती है। देखिए हरिद्वार धर्म नगरी है और शिव शक्ति का धाम है, यहाँ पर शिव के भी कई मंदिर हैं और शक्ति के भी बहुत यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर हैं, उसमें यहाँ पर पूजा लगातार होती है। अब पूरे नवरात्र, चूंकि COVID-19 के बीच में नवरात्र आए थे तो जिला प्रशासन ने सभी मंदिर प्रबंधनों को एक गाइडलाइन जारी की थी कि मास्क का यहाँ पर प्रयोग करें, सैनिटाइजर करें मंदिर को और सोशल डिस्टेंस का पालन रखें, इसमें पूरा यहाँ पर नजर रखी प्रशासन की, अलग अलग टीम बनी गई थी। लेकिन कल चूंकि रावण का दहन होना है, कल दशहरा है तो उसे लेके भी कल जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता करके पहले सबको बता दिया है कि यहाँ पर हरिद्वार में जो दशहरा मनाया जाएगा तो आप लोकल चैनल पर या यूट्यूब के माध्यम से उसे मना सकते हैं, उससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। और कहीं भी जो रावण दहन किया जाएगा तो वहाँ पर जो समिति के लोग होंगे, जितने समिति के लोगों को परमिशन दी जाएगी वो लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो अपने तरफ से चूंकि हमें त्यौहार भी मनाने हैं, COVID-19 चल रहा है उससे भी बच के रहना है, तो बड़ा ध्यान एहतियात जो गाइडलाइन है कोरोना की उसके पालन को लेकर जिला प्रशासन भी यहाँ सख्त दिखाई दे रहा है लगातार। बिल्कुल धर्मेंद्र, ऐसे में अगर हम बात करें तो आज महाअष्टमी और महानवमी भी है, तो महानवमी की जो मुहूर्त है वो कब खत्म हो रही है, मैं चाहूंगा कि आप वहां पर पुजारी जी से बात करें, उनसे इन मुहूर्त के बारे में जानकारी लें। बिल्कुल, देखिए आज अष्टमी है और नवमी है, दोनों की आज पूजा होती है, तो क्या आप बता पाएंगे कि अष्टमी नवमी की जो पूजा है ये कब मुहूर्त है, कब आज ये नवमी का मुहूर्त है? वैसे तो रात से लगेगी, लेकिन यह है कि मना आ रहे हैं सब लोग, 12:30 बजे तक करीबन जो है ये मनाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले अष्टमी की पूजा की जाएगी और उसके बाद भी नवमी की पूजा की जाएगी, हालांकि अष्टमी और नवमी पहली बार ऐसा है कि एक साथ ये मनाई जा रही है, हालांकि अष्टमी पहले पूजी जाती थी नवमी बाद में आती थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा संयोग बना है कि अष्टमी नवमी एक दिन पूजा की जा रही है, और पूरे नवरात्रों में भक्तों ने माता के मंदिरों में जाकर पूजा पाठ यहाँ पर की है। आज भी पूरी तरह से चूंकि धर्म नदी हरिद्वार है, धूम नवरात्रों की यहाँ पर रही है और सभी भक्त अष्टमी नवमी पूज रहे हैं। कल धूमधाम के साथ ही बुराई पे अच्छाई की जीत दशहरा का जो पर्व है वो मनाया जाएगा कई जगह, हालांकि रावण दहन यहाँ पर हरिद्वार में किया जाएगा, उनकी तैयारी की जा रही है। लेकिन जिला प्रशासन ने पहले कहा है कि जो वहाँ पर भीड़ रहती थी
COVID-19 के चलते वो भीड़ वहाँ पर नहीं रहेगी। जिस समिति के जितने लोगों को परमिशन दी जाएगी वो लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो आज अष्टमी नवमी यहाँ पर पूजी जा रही है और कल दशहरा का पर्व हरिद्वार में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए लगातार।